अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू शाजिद किचन एंड ड्रीम। तो नाजरीन, आज की हमारी रेसिपी है मखनी हांडी, जो कि हम मट्टी की हांडी में बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार और ये बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाती है। तो आइए जानते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स। तो नाजरीन, यहाँ पे हमारे पास 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 प्याली योगर्ट यानी कि दही है, 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि चॉप किया हुआ है, 1 अनियन चॉप किया हुआ, 5 चम्मच ग्रीन चिली चॉप की हुई और सॉल्ट 1 टेबलस्पून, यहाँ से जायका, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लेमन जूस, क्रीम 1 पैक और ब्लू बैंड बटर। और यहाँ पे हमारे पास बोनलेस चिकन है 1 2 kg, उसकी 6 में हमने इसको काट लिया है। और अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम दही ऐड करेंगे यानी कि योगर्ट, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सब मसाला ज़्यादा डाल के। हल्दी पाउडर, पेपरिका पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, सूखा धनिया, सॉल्ट, मिक्स वेल। अच्छी तरह से इस मसाले को हम मिक्स कर लेंगे इस दही में। और अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, और इसको हम फिर से मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से। इस चिकन को हम मैरिनेट करके 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे और लेमन जूस भी इसमें ऐड कर देंगे। लेमन जूस की जगह आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि विनीगर, जिससे चिकन की कच्चेपन की स्मेल खत्म हो जाती है।
और नाजरीन ये रही हमारी मटकी की हांडी जिसमें हमारी मखनी हांडी तैयार होगी। और अब हम मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड करेंगे। और ढक्कन कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए इसको कुक करने के लिए रख देंगे। इसमें हम पानी यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये चिकन के पानी में ही गल जाएगी। और ये जो बाकी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें हमारे पास क्रीम को ऐड करेंगे, एक प्याली में डाल देंगे क्रीम को और इसमें एक पैक मिल्क का ऐड कर देंगे। और ये हमारे पास बादाम है जिनके हमने छिलके उतार लिए हैं, ये भी मखनी हांडी में जाएंगे। मलाई में दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप प्याली हमारे पास मलाई की है यानी कि क्रीम की। तो मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमने ये देखिए चिकन चेक किया है तो इसमें अभी फ्राई होने में थोड़ा टाइम था। यहाँ पे हमने इसका ढक्कन उठा दिया है ताकि ये पानी आसानी के साथ ड्राई हो जाए। तो ये देखिए ये ड्राई हो चुका है चिकन, इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और ये बहुत अच्छे से गल चुका है। और इसी हांडी में अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। अब अनियन डालेंगे और इसको भूनेंगे। चॉप किया हुआ अदरक लहसुन यहाँ पे हमने बटर का एक और टुकड़ा डाल दिया। और इसी में हम मसाले को अच्छी तरह से आप भून लेंगे। इसको हम गोल्डन करेंगे। ये
ये देखिए गोल्डन ब्राउन हमारा मसाला तैयार हो रहा है। मसाले को हम 20 मिनट के लिए भुनेंगे और अब जाएगा इसमें ग्रीन चिली। थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। इस मखनी हांडी में नाजरीन हमने कोई भी बाजार के मसाले ऐड नहीं किए, सारे मसाले हमारे घर के ही थे जो कि हमने मैरिनेट करके रख दिया चिकन को, जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। अब हम ये क्रीम जो कि मिल्क में हमने बीट ली थी वो ऐड कर देंगे, जो कि इस मखनी हांडी की शान है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स कर लेंगे। और अब हम एक बीटर की मदद से इसको और बीट करेंगे। दो से तीन मिनट के लिए इसको बीट करेंगे ताकि ये सारा मसाला एक जहाँ हो जाए। इसको बीट करने के बाद हम चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हमने थोड़ा सा वाटर भी ऐड किया है ताकि इसकी अच्छी सी सॉस तैयार हो जाए। चिकन इसमें हमने डाल दिया और इसको मिक्स करके 20 मिनट के लिए हम फिर से इसको ढक्कन कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फिर से कुक हो जाए।
तो यहाँ पे देखिए नाज़रीन 20 मिनट के बाद ये हमारी क्रीमी सॉस मखनी हांडी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें मक्खन का एक टुकड़ा डालेंगे और बादाम और 2 पिंच हमने कलवंजी इसमें ऐड की है। और ये मक्खन इसकी शान है क्योंकि बहुत ही मज़ेदार थी हमारी मखनी हांडी की पहचान है। तो नाज़रीन आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार हमारी मखनी हांडी रेडी है। इसको हम नान के साथ या तंदूर की रोटी के साथ भी नोच फरमा सकते हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी मखनी हांडी हमें कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।